जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, नवरात्रि की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि से संबंधित सारी जानकारी के लिए इस एक प्लेलिस्ट को आप टच कर लेंगे, स्वयं कलश स्थापन कैसे करें, नित्य माता जी की पूजा कैसे करें, स्वयं हवन कैसे कर सके, ये सब पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर भी मैं कहूंगा अपने आचार्यों पुरोहितों के द्वारा कराना उचित रहेगा। एक बात और, अगर आपके आचार्य पुरोहित उपलब्ध नहीं है या तो आप बजट थोड़ा कम है या कुछ उस प्रकार से है, तो हम लोग भी यहाँ अपने चैनल के माध्यम से नवरात्रि का पूजा संपन्न करा रहे हैं। आप चाहेंगे आपके लिए अलग से अथवा सामूहिक रूप से पूजा हो सकती है। उसके विषय में अगर आपको जानकारी लेनी होगी तो जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर व्हाट्सअप कीजिएगा और आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और ये जो भी आपको निर्णय लेना है ये 31 तारीख तक, 31 मार्च तक ले लीजिए। लास्ट से लास्ट 1 अप्रैल को दोपहर तक जो है पूरा निर्णय हो जाएगा, ताकि दो से नवरात्रि सुचारू रूप से आपके निमित्त भी अगर आपको कराना है तो पूजा हो सके। आज की जो बात आ रही है, नवरात्रि के 9 कलर कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो दिन के हिसाब से कलर होता है और एक माता जी का जो उत्सव है नवरात्रि का, उसके हिसाब से कलर धारण किया जाता है, ताकि सामूहिक रूप से जब सब लोग एक स्वरूप में, एक वस्त्र में दिखते हैं, एक रंग में दिखते हैं, तो पूरा आनंद की वर्षा जैसे हो जाती है। तो हम प्रारंभ करते हैं प्रथम दिवस से। जो प्रथम दिवस मतलब 2 अप्रैल का जो पहला कलर है वो आपका पीला कलर है। उसके बाद में दूसरा दिन नवरात्रि का 3 अप्रैल को भूरा कलर है। इसके बाद में 4 अप्रैल को ये हरा रंग है। 5 अप्रैल को नारंगी कलर रहेगा। इसके बाद में 6 अप्रैल को श्वेत मतलब सफेद कलर रहेगा माता रानी के दृष्टि से। 7 अप्रैल को लाल कलर रहेगा। 8 अप्रैल को नीला कलर रहेगा। 10 अप्रैल को गुलाबी कलर रहेगा और जो है 11 अप्रैल को जामुनी कलर रहेगा। तो इस प्रकार से पूरे नवरात्रि आप वस्त्र धारण कर सकते हैं। एक जो दूसरा विधि है कि डे के हिसाब से हमें वस्त्र धारण करना चाहिए, तो जैसे शनिवार को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, शनिवार को नीला काला कलर प्रयोग करना चाहिए। तो शनिवार को नीला काला हो गया, अगले दिन रविवार को लाल हो गया अथवा गुलाबी हो गया, सोमवार को सफेद हो गया, मंगलवार को पुनः लाल हो गया थोड़ा गाढ़ा लाल, और बुधवार को हरा हो गया, गुरुवार को तो सभी जानते हैं पीला कलर का महत्व है, शुक्रवार को पुनः सफेद श्वेत बादामी अथवा क्रीम कलर हो गया, और पुनः जो है शनिवार को नीला कलर हो गया। तो इस प्रकार से भी आप धारण कर सकते हैं, पर ये आम दिनों के लिए अच्छा रहेगा। फेस्टिवल में जो मैंने प्रारंभ से बताया कि प्रथम दिवस जो है पीला कलर धारण करना, उसके बाद अगले अगले दिन, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा जब सामूहिक रूप से सब लोग उस कलर के वस्त्रों को धारण करते हैं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।